हे गाइज ना वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल और हैप्पी नवरात्रि टू माई ऑल यूट्यूब फैमिली और आपको माता रानी हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे आपको आज का वीडियो टॉपिक बहुत ही अलग है जैसे कि आपने थमले ने देखा होगा ये बहुत मुझे डीएम आए थे कि भाई इसके ऊपर कोई गाइज आई एम ऑल द टाइम शेयरिंग विथ यू स्किन केयर मेकअप प्रोडक्ट हेयर केयर एंड लॉर्ड्स ऑफ थिंग्स बट टूडे नॉल टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल वुमेन्स आई होप सो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल तो होगा और आपको बहुत Guys, है। मुझे बहुत लड़कियों के डीएम आए थे कि हमें यह प्रॉब्लम है हमें ये इश्यू है पीरियड्स में हमें प्रॉब्लम होती है या फिर मुझे पर्सनली है, तो है। मैंने सोचा सब पे एक वीडियो बनाया पहला रेगुलर बाथिंग रेगुलर बाथिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन बहुत ही जरूरी होता है, regular bathing. Regular bathing जरूरी है हम सभी क्योंकि okay, देखो रेगुलर बाथिंग से क्या जो फंगल इन्फेक्शन होता है जो बैक्टीरिया हमारे आसपास होता है कहीं भी जाते है, आते है। उससे क्या है? बहुत हद तक हमें रिलीफ मिलता है और काफी इन्फेक्शन होने के चांसेस टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लीज अवॉइड यूजिंग स्ट्रॉन्ग क्लीनर्स एंड फ्रेगनेंस प्रोडक्ट टू क्लीन योर प्राइवेट पार्ट्स क्योंकि भाई ये जो फ्रेगनेंस वाले प्रोडक्ट होते हैं जैसे मैं बता दूं यहाँ पे पहला वी वॉश है जो मैं आपको पर्सनली बताऊंगी बहुत ज्यादा दिखाते हैं कि भैया हाइजीन मेंटेन रखता है कभी आप देखना फ्रेगनेंस बैठे हो पी एच लेवल आपका जो है बिगाड़ देता है क्योंकि इनके अंदर जैसे सोप हो गया हमारा जो रेगुलर बाथिंग हम यूज करते हैं और ये जो आजकल केमिकल चल रहे हैं हमारे लिए कहते हैं वजैना पार्ट्स के लिए वो बहुत ही ज्यादा तो प्लीज अवॉइड वी वॉश लाइक प्रोडक्ट And soap, जो हम रेगुलर बात में यूज करते हैं और काफी पीएच लेवल में तो ये बहुत ज्यादा जरूरत है पी एच लेवल में थर्ड टॉपिक मेरा यहाँ पे हाइजीन मेंटेन ड्यूरिंग पीरियड जो की हम लड़की हर महीने फेस करती है और हम लोग को ला हम लड़की हमें बनाया है यहाँ पे एक चीज बताने वाली आई यूजिंग फर्स्ट टाइम दिस पेड जो कि विस्पर का था नाइट एक्सेल करके uh, मैंने फर्स्ट टाइम इसे यूज करा था गाइस ये बहुत ही ज्यादा अच्छा पैड था काफ़ी ज्यादा लॉन्ग भी था काफ़ी थिक जैसे हम नाइट में सोते हैं तो स्पेशली uh, नाइट के लिए ही बना है तो नाइट में से हम सोते तो हमें करवट लेने में या हम जैसे भी पोजिशन में सोते हैं उस टाइम पर लीकेज होने के चांसेस होते हैं कपड़े खराब होने के चांस होते हैं बेडशीट खराब होने के चांसेज होते हैं बट ये वाला जो पैड था ये इसीलिए बनाया गया है कि काफ़ी ज्यादा लॉन्ग था जिसमें हम नॉर्मल पैड यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा इसका साइज डबल था ट्रिपल था मैं कहूँगी और काफी ज्यादा थिकता था तो बिल्कुल भी लीक की जोने के चांसेस नहीं अगर आप ऐसे गाइज यहाँ मैं बीच बीच में बोलते रहूंगी प्लीज मेरे फाइव सब्सक्राइबर होने वाले प्लीज इसे पूरा करा दीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अगर आपको लग रहा है कि मैं लाइक के काबिल हूँ सब्सक्राइब के काबिल हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट करके लाइक कर दीजिएगा तो अपना प्यार बनाए रहिएगा तो यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है यहाँ पे जो लास्ट वन टॉपिक है मेरा ये डोंट यूज़ पब्लिक वॉशरूम बी केयरफुल वाइल यूजिंग पब्लिक वॉशरूम अगर आप पब्लिक वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल क्योंकि आपको नहीं पता यार उस सीट पे कोई अगला बंदा कैसा गया है कैसा नहीं गया या उसको कौन सी बीमारी थी कौन सा है सबको इन्फेक्शन था जो आपको भी लग सकता है